हेलो एवरीवन, आज जो मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूँ वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है। एज़ जैसे हम लोग को पता है कि अभी एग्ज़ाम आ रहा है फ्यू डेज़ के अंदर, सो काफ़ी लोगों को टेंशन हो जाता है कि क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्या इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो मैं आपके लिए यहाँ पे एक एंटायर जीएल का जो सब्जेक्ट है, दैट इज़ जेआईजीएल सब्जेक्ट, उसका मैं आपको एक लिस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस दे रहा हूँ। तो ये वीडियो बहुत अच्छे से देखना, लास्ट तक देखना, बिकॉज इसमें मैंने सारे के सारे जो 17 चैप्टर्स हैं उसको कवर किया है, और 17 चैप्टर्स के जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आपको लास्ट डे पे बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। ठीक है, आई एम नॉट सेइंग दैट कि आपको इसके ऊपर ही रिलाई होना है, बट आई एम जस्ट सेइंग दैट कि आपको इसके ऊपर थोड़ा अच्छे से फोकस करके ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाना। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन चैप्टर लेते हैं हम लोग। सो जैसे अपना फर्स्ट चैप्टर है सोर्सेस ऑफ लॉ। अब सोर्सेस ऑफ लॉ में है ना, एक्चुअली ये चैप्टर लैंग्वेज वाइज बहुत टफ है, तो आपको इसमें कुछ चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ ना वो आप पक्का करके जाओ, और उसमें कुछ क्वेश्चंस भी मैं आपको बताऊंगा कि डेफिनेटली इसमें से कौन से क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, सो जैसे हम लोग सोर्सेस ऑफ लॉ का अगर क्वेश्चंस देखते हैं लिस्ट, तो फर्स्ट है प्रिंसिपल सोर्सेस ऑफ इंडियन लॉ, देन काइंड्स ऑफ प्रेसिडेंट है, देन यहाँ से लेके 3, 4, 5, 6, 7 ये जो पांच क्वेश्चन है ये पांच थियरी है डिफरेंट ऑथर्स की अबाउट द लॉ। ये थियरी जो पांच थियरी में जो आपको यहाँ पे बता रहा हूँ ना, ये पांच में से एक थियरी कंफर्म आएगा ही आएगा एग्जाम में, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो पांच कौन सा है, एक जॉन ऑस्टिन थियरी, देन रॉस्को पाउंड थियरी, देन जॉन विलियम सैलमन थियरी, देन हैंस केल्सन थियरी एंड जेरेमी बेंथम थियरी। ये पांच में से एक थियरी कंफर्म फॉर श्योर आपको जीएल के पेपर में आएगा ही आएगा, तो ये पांच थियरी बहुत अच्छे से पढ़ के जाना। ठीक है, आप लास्ट एक दो अटेम्प्ट के जो पेपर्स देखोगे उसमें भी रॉस्को पाउंड थियरी एक बार एग्जाम में पूछा था, तो वो कहीं ना कहीं आपको पता चल ही जाएगा कि ये पांच थियरी का कितना इंपॉर्टेंस है, और आपको डेफिनेटली एग्जाम में आएगा, पांच में से एक कन्फर्म आता है। ओके, देन सबसे वास्ट, सबसे लेंथी, सबसे लोगों को डिफिकल्ट चैप्टर जो लगता है, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसके मैं आपको कुछ 15 क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ, वो पढ़ोगे तो ऑलमोस्ट आपका 70-80% चैप्टर कवर हो जाएगा, और इतने भी क्वेश्चंस कवर भी होंगे, और 15 क्वेश्चंस के अंदर आपका अच्छा खासा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कवर होएगा, प्लस आपको एक कॉन्फिडेंस भी गेन हो जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, देन फंडामेंटल राइट्स, जो फंडामेंटल राइट्स जो है वो प्रॉपर आपको आर्टिकल नंबर्स के साथ लिखने हैं, देन स्टेट का डेफिनेशन है, वो स्टेट का डेफिनेशन आपको पढ़ना है, देन डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी एंड एक्लिप्स, देन आर्टिकल 14 से 19 ये प्रॉपरली अच्छे से पढ़ने, आर्टिकल 14, 15, 16, 17 सारे के सारे। देन आपको एक केस लॉ दिया है, आप मॉड्यूल में देखोगे बॉक्स के अंदर एक प्रॉपर केस लॉ दिया है, दैट इज अजय हसे वर्सेस खालिद मुजीब, ये केस बहुत अच्छे से पढ़ के जाना, ये केस स्टेट की डेफिनेशन से रिलेटेड है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खाली केस भी पूछ सकते हैं कि ये केस का कंक्लूजन क्या है, या अगर आपको स्टेट का डेफिनेशन पूछा है सो यू कैन राइट डाउन दिस केस लॉ ऑल्सो। ठीक है, तो वो बहुत अच्छे से पढ़ना है आपको, देन राइट टू रिलीजन, फंडामेंटल ड्यूटीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट, टू सेट्स ऑफ गवर्नमेंट, उसके अंदर 3-4 पॉइंट थोड़े लेंथी पॉइंट्स है वो आपको अच्छे से पढ़ने हैं, देन इंटरप्रिटेशन ऑफ लेजिस्लेटिव लिस्ट, देन फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कोर्ट पैटर्न, कोर्ट पैटर्न जैसे आप देखोगे कि हाईएस्ट कोर्ट है हाई कोर्ट, उसके नीचे है सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे फिर डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के कोर्ट्स आते हैं, पूरा आपको दो पेज का आंसर दिया है, वो एक बार आपको अच्छे से रीड करना है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का बोलेगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सो अकॉर्डिंग टू मी रिट्स एंड देयर टाइप्स, ये सारे के सारे आपको पांच जो टाइप है वो अच्छे से पढ़ने हैं। थर्ड चैप्टर आता है हमारा इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स जो है उसके अंदर आप देखोगे तो लिटरल कंस्ट्रक्शन, ठीक है, देन हिडन्स रूल, देन रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन, रूल ऑफ एजुस्टम जेनेरिस, देन एक्सप्रेस योर यूनिस एक्सक्लूसिव अल्टरिस। अभी यहाँ से लेके जो 5, 6 एंड 7 ये मैक्सिम्स है, ये मैक्सिम्स आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है। ठीक है, ये मैक्सिम बहुत अच्छे से करके जाना, क्योंकि एग्जाम में खाली ये मैक्सिम लिखा हुआ रहेगा, तो वो मैक्सिम आपको भी देखो, ये लैंग्वेज अब अगर आप पढ़ोगे एक्सप्रेसियो यूनिस एक्सक्लूसियो अल्टरिस, देन ये पढ़ने का और उसको समझने का ये बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट होएगा,
ठीक है, तो ये मैक्सिम के मीनिंग अच्छे से याद रखना है आपको, ये तीन मैक्सिम बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट क्वेश्चन है इंटरनल एंड एक्सटर्नल एड्स, बराबर, वो एक आपको अच्छे से पढ़ना है। देन फोर्थ चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, पांच क्वेश्चन भी आप पढ़ोगे दैट इज इनफ, बाकी इतना ये चैप्टर को इतना वेटेज मत देना। जैसे उसमें एक क्वेश्चन है पर्पसिव रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन, हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, रूल ऑफ बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन, स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ पैनल स्टैट्यूट्स एंड पावर्स एंड फंक्शनरीज, ठीक है, इतने ही क्वेश्चन पढ़ना, ये चैप्टर का वेटेज इतना नहीं है। बट ऑप्शन में छोड़ने से बेटर है आप इतने एटलीस्ट पांच क्वेश्चन पढ़ के जाओ। देन फिफ्थ चैप्टर आता है हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, इसका भी वेटेज इतना नहीं है जितना बाकी जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का है वो सब चैप्टर्स का, बट फिर भी ये चैप्टर इंपॉर्टेंट काउंट होता है। सो फर्स्ट उसमें सोर्सेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, देन अब्यूज ऑफ डिस्क्रिशन, देन स्टैट्यूटरी, स्टैट्यूटरी करके आपको एक टाइटल मिलेगा मॉड्यूल के अंदर, उसके अंदर कुछ पॉइंट्स है वो अच्छे से आपको पढ़ने। देन ऑर्डिनरी और इक्विटेबल, देन प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस एंड एक्सेप्शंस टू द नेचुरल जस्टिस, इतने क्वेश्चंस आपको ये चैप्टर के अंदर अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। देन वन ऑफ द ईजीएस्ट चैप्टर अकॉर्डिंग टू मी, जीएल का अगर कोई सबसे ईजी चैप्टर है तो मेरे हिसाब से टॉट है। तो मुझे अगर ये लगता है कि ये चैप्टर बहुत ईजी है तो वैसे तो आपको ये चैप्टर फुल पढ़ना चाहिए, बराबर, और इतना लेंथी चैप्टर भी नहीं है और बहुत ईजी चैप्टर है विद गुड एग्जाम्पल्स एंड एवरीथिंग। बट अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर मैं बोलूँ तो जनरल कंडीशन ऑफ लायबिलिटी फॉर अ टॉट, कि टॉट कब होता है, क्या कंडीशन फुलफिल होगी तो टॉट अकाउंट होगा। देन डैमनम्स एंड इंजूरिया, इंजूरियास एंड डैमनम, ये दो में से काफ़ी टाइम मैंने देखा है कि क्वेश्चन दो में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन पूछते ही है मोस्ट ऑफ द टाइम, तो वो एक अच्छे से पढ़ना है। देन काइंड ऑफ टॉशस लायबिलिटी, तीन टाइप की टॉशस लायबिलिटी आती है वो आपको पढ़नी है। देन केस है जो रेलेंट वर्सेस फ्लेचर, वो केस का खाली आपको स्टोरी पढ़ना है और स्टोरी याद रखना है, क्वेश्चन नहीं आएगा डायरेक्टली केस की क्या हुआ था रेलेंट वर्सेस फ्लेचर में, एक दो पेपर में शायद आया होगा, बट एटलीस्ट स्टोरी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर स्टोरी पता रहेगा तो हो सकता है रेलेंट वर्सेस फ्लेचर में वो लोग क्वेश्चन का नाम चेंज करेंगे, मतलब पार्टी का नाम चेंज करेंगे और सेम सिनेरियो आपके सामने रखेंगे क्वेश्चन में। सो आप अगर स्टोरी पता रहेगा आपको तो आप वो मैच करके आंसर लिख सकते हो बहुत अच्छे तरीके से। देन एक्सेप्शनल केसेस टू द स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, देन टॉर्ट और रॉन्ग्स टू द पर्सनल सेफ्टी एंड फ्रीडम, जिसमें बैटरी और वो सब आपको क्वेश्चन मिलेंगे, एंड रेमेडीज इन टॉर्ट, ठीक है। ये ऑलमोस्ट मैंने पूरा चैप्टर कवर किया है, बिकॉज अभी भी बोल रहा हूँ सबसे ईजी चैप्टर है, इसको ऑप्शन में मत छोड़ना। देन लिमिटेशन एक्ट, अगेन छोटा चैप्टर है, पावर ऑफ लिमिटेशन, डॉक्ट्रिन ऑफ सफिशियंट कॉज, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अकाउंट होता है। देन पर्सन अंडर लीगल डिसेबिलिटी, इसमें माइनर वाले क्वेश्चन है वो अच्छे से आपको पढ़ने हैं, एंड कंटिन्यूस रनिंग ऑफ टाइम, ये नॉर्मल क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये था हमारा सेवेंथ चैप्टर, दैट इज द लिमिटेशन एक्ट। नेक्स्ट देखते हैं एट्थ, दैट इज सीपीसी, सिविल प्रोसीजर, तो उसमें जजमेंट, डिग्री एंड ऑर्डर, ये तीनों का डिफरेंस, डिग्री होल्डर, स्टे ऑफ सूट, रेस जुडिकाटा, प्लेस ऑफ सू, सेट ऑफ एंड काउंटर क्लेम, इंजंक्शन। इंजंक्शन अगर आप यहाँ पे नहीं भी पढ़ते हो तो एक बार शायद चलता है, बिकॉज अगर आप दोनों ग्रुप दे रहे हो तो आपको ECL में एक चैप्टर है जहाँ पे इंजंक्शन बहुत इन डेप्थ है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस वाले, तो आप वहाँ पे पढ़ोगे तो ये कवर हो ही जाएगा वैसे भी। देन मिसजॉइंडर ऑफ द पार्टीज, डिलीवरी ऑफ समन एंड रेफरेंस रिव्यू एंड रिविजन, लास्ट क्वेश्चन जो है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें से मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये एक टेंथ वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देन नाइन्थ चैप्टर दैट इज IPC, इंडियन पेनल कोड। चैप्टर देखने जाओगे तो बहुत लेंथी चैप्टर है, बट इतने इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इसमें है नहीं, जो इंपॉर्टेंट है मैंने यहाँ पे डाले, लाइक एलिमेंट्स ऑफ क्राइम, स्टेजेस ऑफ क्राइम, जैसे चार स्टेजेस है क्राइम के वो, पनिशमेंट, डिफरेंट टाइप की पनिशमेंट है जैसे इम्प्रिजनमेंट, डेथ पेनल्टी, वो सब। देन क्रिमिनल कॉन्स्पिरसी, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, डिफेमेशन एंड जनरल एक्सेप्शंस, बराबर। जनरल एक्सेप्शंस में बहुत लंबा लिस्ट है, अराउंड 20-25 पॉइंट्स है आई थिंक। जनरल एक्सेप्शंस में आप मैक्सिमम 10 पॉइंट्स पढ़ना, इससे ज़्यादा पॉइंट्स मत पढ़ना, जो आपको 10 ईजी लगे वो आप पढ़ सकते हो। देन CRPC, क्रिमिनल प्रोसीजर, उसमें कंप्लेन, इन्वेस्टिगेशन, क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स, पावर्स ऑफ कोर्ट, देन समन,
वारंट एंड समरी ट्रायल। समरी ट्रायल बहुत अच्छे से पढ़ के जाना क्योंकि वो एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। देन एविडेंस एक्ट। एविडेंस एक्ट में फैक्ट, रिलेवेंट फैक्ट, लॉजिकल रिलेवेंसी एंड लीगल रिलेवेंसी, रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स, एक्सपर्ट ओपिनियन, एडमिशन एंड कन्फेशन एंड प्रिंसिपल ऑफ एस्टोपल, इतनी चीज भी पढ़ोगे तो भी इनफ है। बिकॉज काफ़ी टाइम मैंने ऐसा सुना है कि लोगों को एविडेंस एक्ट बहुत कन्फ्यूजिंग लगता है। फैक्ट देन रिलेवेंट फैक्ट, ये सब में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो इतने क्वेश्चन भी अगर आप पढ़ोगे तो इनफ है। देन अगेन मेरे हिसाब से अगेन ये लिस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मतलब इतना आप फोकस नहीं भी करोगे तो चलेगा। जैसे NCLT और अपील है, NCLT आपने पूरा कंपनी लॉ पढ़ा हुआ है तो आप वो वहाँ पे से पढ़ लोगे तो यहाँ पे कवर हो जाएगा। देन अपील, NCLT के डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं हो, NCLT के डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं हो तो अपील प्रोसीजर क्या है वो एक पढ़ना है। और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे हिसाब से ये पूरे चैप्टर में एक ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट इज लॉजिंग ऑफ कैविट। ठीक है, बाकी ये चैप्टर में इम्पॉर्टेंट इतना कुछ है नहीं और इसका वेटेज भी इतना है नहीं। नेक्स्ट आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन चैप्टर, अगेन ये भी एक बहुत लेंथी चैप्टर है। तो इसके क्वेश्चंस, अवार्ड रूल्स रिगार्डिंग अवार्ड, सेट असाइड ऑफ एन अवार्ड, अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेशन दैट इज आर्बिट्रेटर, देन एक्सपर्ट ओपिनियन, कोर्ट असिस्टेंस, आर्बिट्रेशन वर्सेस कंसिलिएशन का डिस्टिंग्विश भी दिया है दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, कंसिलिएशन प्रोसीजर एंड अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। अब ये जो लास्ट है दैट इज अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, इट इज नथिंग बट ADR जैसे शॉर्ट फॉर्म में उसको बोलते हैं। इसमें तुम लोग को कुछ नहीं लिखना है, तुम लोग को वापस ब्रीफ में अवार्ड सॉरी आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन का ब्रीफ में आपको एक्सप्लेनेशन देना है। ठीक है, तो वो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन नेक्स्ट आता है स्टैम्प एक्ट। स्टैम्प एक्ट अगेन आप मॉड्यूल देखोगे बहुत लेंथी चैप्टर, अराउंड 30-35 पेजेस का चैप्टर है ये। काफ़ी लोग इसको पढ़ते ही नहीं है, क्यों? क्योंकि बहुत कन्फ्यूजिंग लैंग्वेज बहुत डिफिकल्ट है, कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़्यादा है। ऑप्शन में मत छोड़ना, एटलीस्ट इतने क्वेश्चन पढ़ के जाना। क्या क्या क्वेश्चन है? इंस्ट्रूमेंट चार्जेबल विद ड्यूटी, सिक्योरिटीज डील्ड इन डिपॉजिटरी नॉट लायबल टू स्टैम्प ड्यूटी, वैल्यूएशन फॉर द ड्यूटी अंडर द एक्ट, कंसिडरेशन टू बी सेट आउट, पार्टी लायबल टू पे। हाँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि स्टैम्प ड्यूटी कौन भरेगा, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5, कि कौन सी पार्टी लायबल है डिफरेंट डिफरेंट ट्रांजेक्शन में, मॉर्गेज में कौन पे करेगा, लीज में पे कौन करेगा, सेल में कौन पे करेगा, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर एक है मेथड्स ऑफ स्टैम्पिंग, मोड ऑफ कैंसिलेशन, अगेन 7th क्वेश्चन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देन टाइम ऑफ स्टैम्पिंग एंड रिफंड, इतने क्वेश्चन स्टैम्प एक्ट में इंपॉर्टेंट है। इसमें भी जो मैंने आपको बताया 5th एंड 7th इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देन रजिस्ट्रेशन एक्ट, अगेन बहुत छोटा चैप्टर है और ईजी चैप्टर है, मेरे हिसाब से आपको ये ऑप्शन में नहीं छोड़ना चाहिए और इनफैक्ट फुल चैप्टर पढ़ लेना चाहिए बिकॉज छोटा चैप्टर है। तो फिर भी अगर आप छोटा चैप्टर भी अगर बोलते हो तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन, ऑप्शनल रजिस्ट्रेशन एंड एग्जेम्पशन फ्रॉम रजिस्ट्रेशन, इसमें से 3 में से मोस्ट ऑफ द टाइम एक क्वेश्चन ये लोग हमेशा पूछते हैं। ठीक है, देन टाइम लिमिट, फिर प्रोसीजर, लीगल रिप्रेजेंटेटिव एंड रिफ्यूजल बाय रजिस्ट्रार, रिफ्यूजल बाय रजिस्ट्रार फॉर रजिस्ट्रेशन है ये। ठीक है, कि कब रजिस्ट्रार रजिस्ट्रेशन करने से डिनाई कर सकता है, तो वो एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन RTI, अगेन वन ऑफ द ईजी चैप्टर ऑफ एंटायर GL सिलेबस, उसमें फीचर्स, वॉट इज RTI, ड्यूटीज ऑफ PIO, APIO, रिक्वेस्ट, आप कैसे रिक्वेस्ट करोगे, 30 डेज में फिर आंसर आएगा, फिर 35 डेज में आंसर आएगा, कुछ केस में 40 डेज में आंसर आएगा, तो वो सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पे कवर करने हैं। देन एक्सक्लूडेड कैटेगरी, कि कौन सी इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दी जाएगी, एंड CIC एंड SIC दैट इज सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन एंड स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन, वो दोनों आपको अच्छे से पढ़ना है, उसका फॉर्मेशन भी अच्छे से पढ़ना है। एंड लास्ट चैप्टर दैट इज IT एक्ट, उसमें डॉक्यूमेंट्स और ट्रांजेक्शन टू विच एक्ट शैल नॉट अप्लाई, ये आपको फर्स्ट क्वेश्चन ही मिलेगा बुक के अंदर। देन डिजिटल सिग्नेचर एंड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, देन इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, एट्रीब्यूशन एंड डिस्पैच ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, टाइम एंड प्लेस ऑफ डिस्पैच, और लास्ट आता है पेनल्टीज, इतने क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट है। तो ये मैंने आपको 17 चैप्टर्स के, आपको टॉपिक्स जो भी है 17 चैप्टर्स उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का आपको लिस्ट दिया है। लास्ट डे पे ये आपको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना, बिकॉज कैसा होता है लास्ट डे पे एग्जाम के जैसे एक दिन पहले यू कैन नॉट कवर योर एंटायर सिलेबस, इट इज़ इम्पॉसिबल। तो आप ये 17 चैप्टर बहुत अच्छे से कर लेना, और ये 17 चैप्टर में
ये जो क्वेश्चंस मैंने आपको दिए बस इतने अच्छे से करके जाओ, बहुत ज़्यादा आपको हेल्प होगा इससे, बिकॉज वी कैन नॉट कवर एंटायर सिलेबस इन जस्ट वन डे एट द टाइम ऑफ एग्जाम। तो ये आपको 17 चैप्टर्स के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है ये आपको बहुत हेल्प हो जाएंगे, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको हमारे ऐसे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, जो बेल आइकन है उसके ऊपर क्लिक करें ताकि इन फ्यूचर हम लोग जो भी वीडियोस अपलोड करेंगे आपको सारी उससे रिलेटेड नोटिफिकेशन और इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। सो आपका एक भी वीडियो मिस आउट नहीं होगा, और हो सके उतने मैक्सिमम लोगों को ये वीडियो शेयर भी कीजिए ताकि उनको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। और अगर आपको हमारे लेक्चर्स ऑनलाइन परचेस करने हैं तो आप हमारी वेबसाइट is.reddit.in पे भी जाके विजिट कर सकते हैं, और वहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर है, वहाँ हम लोग वहाँ से कम्युनिकेट भी आप डायरेक्ट हमारे साथ कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।